डिप्टी सीएम विजय शर्मा मंगलवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे। यहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। डिप्टी सीएम शर्मा इस दौरान बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए आपातकाल को लेकर चर्चा की। डिप्टी सीएम ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए आपातकाल को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने नक्सलवाद और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी बयान दिया है। आपातकाल के विषय को लेकर के हमारी धारणा बड़ी स्पष्ट है। लोकतंत्र के संवाहक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हैं। तो उस समय जो कुछ हुआ था, लोकतंत्र का दमन किया गया था, उसकी आज तक लोगों के बीच में है। और दमनात्मक कार्यवाही ऐसी कि विगत सरकार ने भी इन्हीं मीसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सम्मान की राशि को बंद कर दिया। नक्सलियों के संदर्भ में विभिन्न बातें हैं, वो सरेंडर करें, सरेंडर किए हुए पर ठीक से काम हो, सरेंडर करने के बाद उनकी स्थिति ठीक हो, उनसे पीड़ित परिवार जो है उन पर काम किया जाए, शहीद परिवार है उन पर काम किया जाए, समाज में कोई गैप होगा वो फिलअप कैसे होगा उस पर काम किया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ ऑपरेशंस भी अगर आवश्यक है तो वो भी किए जाए। बहुत काम है, चाहे वो नक्सलिज्म पर आधारित काम हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, संगठित अपराधों के संदर्भ में काम हो, ये सारे काम बड़े हैं। पुलिस के विभागीय सुधारात्मक काफी काम है, वो भी काम है, सारे आइडेंटिफाइड है सारे काम, और उन सारे बिंदुओं पर हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश में है। बहुत